हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोहनी के कालेपन से छुटकारा पाने के बारे में। क्या ये चार घरेलू उपाय कोहनियों का कालापन दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हम सभी अपने चेहरे का बेहद ख्याल रखते हैं, लेकिन कोहनी के कालेपन की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कोहनी को साफ रखने के लिए थोड़ा सा समय और कुछ घरेलू उपाय मददगार साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कोहनी का कालापन दूर करने के बारे में। नंबर एक, नारियल का तेल। नारियल तेल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है जो त्वचा का रंग हल्का करता है। नहाने के बाद नारियल तेल की कुछ बूंदें लेकर हल्के हाथों से कोहनी पर 10 से 15 मिनट तक मालिश करें। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं। कोहनी का कालापन दूर होगा। नंबर दो, दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को साफ और मुलायम बनाता है। दही में कुछ बूंदें सफ़ेद सिरके की मिलाएं और इसे कोहनियों पर लगाएं। जब यह सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें। इसके अलावा दही में थोड़ा सा चोकर मिलाकर कोहनी और घुटनों पर स्क्रब भी कर सकते हैं। नंबर तीन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्लिंजर की तरह काम करता है। इसको दूध में मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं, फिर हल्के गुनगुने पानी से साफ करें। कुछ ही दिनों में कोहनी का कालापन दूर हो जाएगा। नंबर चार, पुदीना। पुदीने की पत्तियों को पानी में उबाल लें। इस पानी को कुछ देर ठंडा होने दें, फिर रुई के फाहे को इसमें डुबोकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। कोहनी का कालापन दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है कोहनी का कालापन दूर करने के आसान तरीके। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।